हाय नमस्कार, मैं हूँ अश्विनी। अश्विनी मेजबानी में आप सबका स्वागत है। मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कोकोनट लड्डू बिना गैस जलाए। चलो आइए देखते हैं उसकी सामग्री। ये है डेसिकेटेड कोकोनट जो मैंने इस मेजरिंग कप से 1.5 कप लिया है, और उसके लिए 1 कप चीनी ली है जो पीस ली है। स्टफिंग के लिए मैंने ड्राई फ्रूट लिए काजू बादाम, और ये कलरिंग के लिए मैंने रोज सिरप यूज़ किया है। अभी रोज सिरप ऊपर डाल रही हूँ कलर के लिए, तो मैंने अंदर गुलकंद भरा है, स्टफिंग के लिए गुलकंद लिया है। अब हम शुरू करते हैं इसको। पहले मैं ये डेसिकेटेड कोकोनट इस बॉल में डाल रही हूँ, फिर इसमें शुगर सिरप ऐड, ये शुगर पाउडर ऐड कर रही हूँ। अभी इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर इसमें मैं ऐड करूंगी रोज सिरप। ये रोज सिरप ऐड करने से इसका कलर बहुत अच्छा आता है। तो ये अभी हमारा अच्छे से मिक्स हुआ है। हमने रोज सिरप डाला है इसलिए हमको कंडेंस मिल्क या मिल्क कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं, ये हमारे लड्डू ऐसे बन जाएंगे। अब ये ऊपर का हो गया, हम अभी इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। स्टफिंग के लिए मैंने ये सारे ड्राई फ्रूट कट के लिए हैं। इसमें थोड़ा किशमिश भी ऐड करूँगी क्योंकि बच्चों को ये बहुत पसंद आता है, और इसमें अभी एक गुलकंद भी ऐड करूँगी। और इसकी बॉन्डिंग अच्छी आने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा कोकोनट पाउडर ऐड करूँगी। हम फिर हमारे लड्डू बना देंगे। हम अब हमारे लड्डू बनाते हैं। अभी हम पहले इसको ऐसे कर लेंगे क्योंकि हमें स्टफिंग अंदर भरनी है, तो थोड़ा सा ऐसे करके हाथ पे, फिर इसमें 1 स्पून ये ड्राई फ्रूट का स्टफिंग डालेंगे, और फिर लड्डू को बना देंगे। ये रहा हमारा लड्डू बनके तैयार है। अभी देखो इसका कलर कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, और ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है और बिल्कुल जूसी जूसी बना है। बच्चे तो इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं अभी ये सारे बना के रेडी कर देती हूँ फटाफट। ये अभी मेरे देखो सारे लड्डू बनके रेडी है, और देखो ये कितने कलर इसका इतना अच्छा आया है और कितने जूसी लग रहे हैं। अभी मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखो अंदर से भी कितना अच्छा लग रहा है, और ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। बच्चों को तो ये बहुत पसंद आते हैं। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। बाय, थैंक यू।